हेलो बच्चों, अब अपन आज अर्थशास्त्र का 12वीं क्लास के अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे। आपने इसके पहले समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन किया। अब अपन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का अध्ययन करेंगे। अर्थव्यवस्था एक मानव जीवन के यंत्र की तरह है। इसमें विभिन्न अंग अपनी अपनी विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा सशक्त बनते हैं। मानव शरीर के लिए जैसे भोजन, पाचन क्रिया, परिश्रम आवश्यक है, उसी तरह अर्थव्यवस्था को सकुशल बनाने के लिए उत्पादन, उपभोग और विनिमय वितरण जैसी प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है जिससे व्यक्ति राष्ट्र का जीवन उपार्जन का काम करता है। फिर है अर्थव्यवस्था की परिभाषा और उसका अर्थ। तो अर्थव्यवस्था बच्चों एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा लोग अपना जीवन का उपार्जन करते हैं। समाज की गतिविधियों में शामिल किया जाता है, जिसमें गृहस्थ, परिवार, सरकार का उत्पादन, विनिमय, उपभोग करती है। दूसरे शब्दों में, अर्थशास्त्र की शब्दों में से कहेंगे, अर्थव्यवस्था उत्पादन की इकाइयों का समूह होती है जो कि एक निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र की स्थिति व्यक्त करती है। अर्थव्यवस्था में संचालित आर्थिक क्रियाओं से लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। अगर अर्थ नहीं होगा तो कैसे पूर्ति होगी लोगों की आवश्यकताओं? तो अर्थ मतलब, अर्थशास्त्र में अर्थ का मतलब यहाँ पर पैसों से लिया गया है। समाज में अधिकतम संतुष्टि के लिए विभिन्न वस्तुओं, सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। व्यापार, सेवा आदि के क्षेत्र में मिलाकर राष्ट्रीय उत्पादन का ये निर्माण करते हैं। फिर ए के ब्राउलो ने अपनी परिभाषा दी है, अर्थव्यवस्था शब्द का प्रयोग अधिकांश रूप से ऐसी प्रणाली से किया जाता है जिसके द्वारा लोगों का जीवन निर्वाह होता है। डब्ल्यू एन लुक्स ने भी अपनी परिभाषा दी है कि अर्थशास्त्र उन संस्थाओं का समूह है जिसमें दिए गए व्यक्ति, राष्ट्र या राष्ट्र द्वारा समूह साधन को स्वीकार किया जाता है ताकि अपने संसाधनों का प्रयोग कर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि को पूरा किया जाए। अर्थव्यवस्था को मानव आवश्यकता की संतुष्टि के लिए उपलब्ध उत्पादन साधनों के प्रयोग में दृष्टि संगठन के रूप में देखा जाता है। संस्था का अर्थ किसी कार्य के करने के ढंग, किसी समस्या को सुलझाने के तरीके या निर्णय लेने की प्रक्रिया से है। इसी प्रकार बच्चों अर्थव्यवस्था के तीन प्रकार हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित। पूंजीवादी मतलब पूंजी का अर्थ तो बच्चों आप समझते ही हो। इस अर्थ मतलब पूंजी के बिना कोई काम नहीं होते, इसलिए इस अर्थव्यवस्था का आरंभ 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति से परिणाम स्वरूप हुआ। आर्थिक संगठन की वह प्रणाली है जिसमें उत्पत्ति के साधन, निजी स्वामित्व होना, साधनों में लाभ अर्जित करना और उद्देश्यों के विभिन्न कार्यों में प्रयोग करने की स्वतंत्रता होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं बच्चों, तो पूंजीवादी में निजी संपत्ति का अधिकार होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी संपत्ति प्राप्त करने, रखने, प्रयोग करने, क्रय विक्रय करने का अधिकारी, पूर्ण रूप से अधिकारी होता है। इस निजी संपत्ति को अपने उत्तरदायित्व को हस्तांतरित करने के लिए कर सकता है। यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्वतंत्रता होती है। वह अपनी इच्छा से कोई भी व्यापार, कोई भी कार्य शुरू कर सकता है। पूंजीवादी में लाभ का उद्देश्य प्राप्त होता है। व्यक्ति केवल उन कार्यों को संपादित करता है जिससे उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। फिर है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का संचालन सामान्य कीमत यंत्र पर क्या आधारित होता है, अर्थात उत्पादन, उपभोग, विनिमय सभी कीमतों पर निर्धारित होते हैं। उपभोक्ता को सार्वभौमिक सत्ता प्राप्त होती है। उपभोक्ता अपनी आय और इच्छा के अनुसार विभिन्न वस्तुओं का क्रय या विक्रय कर सकता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था स्वतंत्र प्रतियोगिता पर आधारित होती है, जिसमें क्रेता, विक्रेता, उत्पादक तथा श्रम पर्याप्त संख्या में होते हैं। आपस में ये प्रतियोगिता करते रहते हैं। फिर है समाजवादी। समाजवादी मतलब जैसे समझते हो बच्चों समाज। ऐतिहासिक विकास क्रम में समाजवादी अर्थव्यवस्था का स्थान पूंजीवादी के बाद ही आता है।
सर्वप्रथम रूस ने 1917 में क्रांति के बाद अर्थव्यवस्था को अपनाया। कौन सी अर्थव्यवस्था को? समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया। समाज के अंतर्गत उत्पादन के साधन, समाजीकरण, आय का वितरण तथा व्यक्तियों की कुछ सीमाएं आधारभूत संरचनाओं पर स्वतंत्रता पर पाई जाती हैं। तो समाजवाद में उत्पादन के साधनों का समाज का स्वामित्व होता है। मतलब जो भी व्यक्ति समाज में रहता है उसमें उत्पादन के साधनों का और समाज का क्या होता है? स्वामित्व होता है। अंत में उत्पादन संपत्ति जैसे भूमि पूंजी आदि का प्रयोग निजी लाभ के लिए वह करता है, समाज के उद्देश्यों के लिए किया जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन संबंधी सभी निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हैं। दूसरे शब्दों में आर्थिक स्वतंत्रता का यहाँ अभाव होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र का महत्वपूर्ण स्थान नहीं होता, केवल वस्तुओं के वितरण आर्थिक लेखांकन इनका सहारा लिया जाता है। इस अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियोजन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। योजना उत्पादन संबंधी सभी निर्णय लेते हैं। समाजवाद में उत्पादन के साधनों का सरकार द्वारा नियंत्रण होने के कारण प्रतियोगिता का अभाव पाया जाता है, क्योंकि सभी काम समाज में नहीं होते, सरकार के द्वारा ही कुछ निर्णय लिए जाते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन साधनों का सामाजिक स्वामित्व के कारण आर्थिक असमानताएं नहीं होती, जिसमें धन व आय के वितरण में थोड़ी बहुत असमानताएं होती हैं, क्योंकि बच्चों किसी के पास ज़्यादा धन होता है और किसी के पास कम, वे अपनी कुशलता के गुणों के कारण ही होती हैं। फिर तीसरा है बेटा मिश्रित अर्थव्यवस्था। आधुनिक समय में एक नई अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानी जाती है। मिश्रित मतलब मिली जुली। भारत अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की इस प्रणाली को अपनाया। मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पूंजीवाद तथा समाजवाद दोनों के दोषों को दूर करने का प्रयत्न करके दोनों के बीच के रास्ते को अपनाया। जैसे मैंने बच्चों बताया मिश्रित मतलब मिली जुली, तो समाजवाद और पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को मिलाकर बनाई गई मिश्रित अर्थव्यवस्था। वास्तव में मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसमें निजी सार्वजनिक क्षेत्र सह अस्तित्व होता है। दोनों के कार्य करने के क्षेत्र निर्धारित करने किए जाते हैं। दोनों का कार्य करने की प्रणाली इस प्रकार होती है जिसमें देश के सभी वर्गों को आर्थिक कल्याण में वृद्धि, आर्थिक विकास की गति को तेजी हो जाए। फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं, तो पहला है निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र पर्याप्त मात्रा में साथ साथ पाया जाता है। निजी से मतलब बेटा स्वयं का, सार्वजनिक मतलब सबके लिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था में लाभ उद्देश्य कीमत यंत्र को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्वतंत्रता पाई जाती है परंतु पूंजीवादी की तुलना में कम होती है। व्यक्ति अपना व्यवसाय चुनने के लिए स्वतंत्र होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तुलना में आय व संपत्ति का अधिक समान वितरण होता है, मतलब सबके पास समान संपत्ति और समान आय होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियोजन भी अपनाया जाता है, मतलब नियोजन करके ही कोई कार्य होते हैं। फिर है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। एक अर्थव्यवस्था चाहे विकसित हो या अल्पविकसित हो, पूंजीवादी हो या समाजवादी हो, उसे कुछ आधारभूत कार्य करने होते हैं। प्रत्येक अर्थव्यवस्था को संपादित करने का ढंग अलग अवश्य होता है। आधारभूत कार्यों में अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं भी कहा जा सकता है। एक व्यक्ति की भांति अर्थव्यवस्था में साधन कैसे होते हैं? सीमित होते हैं, तथा आवश्यकताएं कैसी होती हैं? असीमित होती हैं। हर व्यक्ति की आवश्यकताएं कैसी होती हैं? असीमित और साधन सीमित। अर्थव्यवस्था में भूमि श्रम पूंजी व साहस को सीमित मात्रा में आय उत्पादन रोजगार आदि अनेक समस्याओं का हल करना होता है। उसी के अनुरूप वस्तुओं सेवाओं का चयन उत्पादन होता है। अर्थव्यवस्था का
एक अर्थव्यवस्था की प्रमुख केंद्रीय समस्याएं निम्नलिखित हैं। तो छह हैं बेटा, इनको आपको याद करना है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, पहला, किस वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में निश्चित करना होता है कि वस्तु का उत्पादन कैसे किया जाए। अर्थव्यवस्था चाहे विकसित हो या पिछड़ी हो, साधन हो लोगों की सभी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए अपर्याप्त होती हैं। सामान्य मुख्य रूप से सीमित साधनों के वितरण संबंधी यह निश्चित रूप कर लेना पश्चात किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा, उपभोग वस्तुओं का तथा पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करें, अर्थव्यवस्था को एक निर्धारित करना होता है। वस्तु की कितनी मात्रा में उत्पादन कराना है, समाज को अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो सके और अन्य बातों को निर्धारित। विभिन्न प्रणालियों में समानता भिन्न भिन्न होता है। पूंजी में कीमत प्रणाली तथा साम्यवाद में सरकारी आदेश पर निर्धारित होती है। फिर उत्पादन का ढंग कैसा हो, जब अपन किसी वस्तु का उत्पादन करेंगे तो उसका ढंग कैसा हो, तो वस्तु के उत्पादन करने के अनेक ढंग होते हैं। इसमें रीति उत्पादन निर्णय लेना आवश्यक होता है। उत्पादन का संगठन किस प्रकार किया जाए, कौन सी रीति अपनाई जाए, उत्पादन के साधनों की पूर्ति उनके अपेक्षित मूल पर निर्भर करती है। यदि अर्थव्यवस्था में श्रम अधिक है, मजदूरी की दर नीची है, श्रम प्रधान तकनीकी का चयन किया जाएगा। इसके विपरीत यदि श्रम की मात्रा कम है और मजदूर की दर ऊंची है तो पूंजी की मात्रा भी